नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती संत महात्माओं की इस पावन धरा से आने वाली एक ऐसी करिश्माई शख्सियत हैं जिनके मार्गदर्शन में जन जन का आध्यात्मिक विकास आज भी हो रहा है। वर्षों से लोगों को सनातन धर्म और सनातन परंपरा से साक्षात्कार करा रहे हैं और न सिर्फ देखे देश के कोने कोने में बल्कि विश्व भर में सनातन के ध्वज वाहक बनकर विश्व शक्तियों को अध्यात्म से भी जोड़ रहे हैं। सनातन से जुड़े अनगिनत विषयों पर आज भी लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और जो कि देखिए गोवर्धन मठ पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, तो इस कारण जन जन के बीच सनातन के प्रचार प्रसार को लेकर उनका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और शायद यही कारण है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी भविष्यवाणी वो करते हैं, पूरी दुनिया उसे कान लगाकर सुनती है। अब जो कि देखिए इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, नेताओं का करियर सच में दांव पर लगा है, तो 4 जून के दिन चुनावी नतीजे भी सामने होंगे और ऐसे में चुनाव को लेकर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान फिलहाल सामने आया है। 4 जून की तस्वीर को लेकर अब की बार शंकराचार्य ने किस और संकेत दिए हैं, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान की ये खास रिपोर्ट। चुनाव बीच बोले शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। शंकराचार्य ने दिखाई 4 जून की तस्वीर। अब की बार कौन होगा भारत का बॉस, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आपको याद होगा राम मंदिर उद्घाटन के बीच शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती मीडिया की सुर्खियों में सबसे ज्यादा रही। जी हां, शंकराचार्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मोदी की मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। उन्हें खुद को मोदी विरोधी कहने से इनकार था, लेकिन शास्त्रों के उल्लंघन से उन्हें होने वाले हर कार्य से एतराज भी था और इस बात पर भी वो जोर देते हैं कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन केंद्र में बदला जा रहा है और राम मंदिर को लेकर की जा रही राजनीति भी उनको ठीक बिल्कुल नहीं लगती है। खुलकर ये कहा था कि अगर मोदी जी उद्घाटन करेंगे, मूर्ति को छुएंगे, तो मैं वहाँ क्या करूँगा। हालांकि देखिए उनके इसी बयान पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था बाद में, लेकिन उन्हें मोदी विरोधी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि देखिए कई दफा पीएम मोदी को शंकराचार्य की शरण में देखा गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी की मंदिर नीति ने सनातनियों के बीच धर्म के पुनः जागृत करने का कार्य किया है। और अब जो कि देखिए चुनावी मौसम और इसलिए हर कोई यही जानना चाहता है कि भाई देश का संत समाज इसको चुनाव को लेकर क्या सोचता है। जहां बात शंकराचार्य की आती है तो जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी एक सवाल पर नागौर के पिलवा गांव से शंकराचार्य ने जो बयान दिया है वो मैं आपको बता दूं कि उनके नजरिए से उनका ये कहना है कि 4 जून अब पास आ रही है तारीख और जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, यानी कि जनता जिस नजरिए से देख रही है वो भी देख रहे हैं और वही होगा जो जनता चाहेगी। अब देखिए यहाँ शंकराचार्य के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि माहौल तो देखिए मोदीमय हो रखा है और शायद यही कारण है कि 4 जून का दिन भी पीएम मोदी के नाम रहेगा। बहरहाल सनातन क्या है लोगों को ये भी समझाते हुए शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ये भी कह चुके हैं कि सनातन धर्म समूचे विश्व के कल्याण, शांति और सौहार्द की सीख देता है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव भी निहित है और यही भारत को अन्य देशों से श्रेष्ठता की श्रेणी में भी रखता है। अनादिकाल से चली आ रही सनातन परंपरा, सिद्धांत हमारी विरासत है। और 4 जून के दिन अब क्या होगा सनातन धर्म को लेकर जो शंकराचार्य का वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन उन्होंने तो इशारा दे दिया कि जनता जो चाहेगी वो होगा, यानी कि जनता अगर मोदी को चाहेगी तो मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल 4 जून की तस्वीर, आपको तस्वीर में कौन फिट बैठता हुआ दिखता है कमेंट करके बताइएगा जरूर।